नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ओरिगन टोकन के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में आप लोगों को इस कॉइन की सारी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से हम लोगों को इस कॉइन में आगे मूव देखने को मिलेंगे, इसकी प्राइस क्या रहेगी और किस प्रकार से हम लोगों को यह कॉइन आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमने वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि ये सारी जानकारी मैंने कॉइन बेस से इकट्ठी की है, तो आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले बता दूँ कि दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ही पूछ के इस कॉइन में इन्वेस्ट कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करें तो जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कुछ इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिल रही है। बाय पॉइंट जो है वह 44 पॉइंट है, वहीं पर सेलिंग पॉइंट लगभग 56 पॉइंट सेलिंग के हैं। मतलब अभी इसमें सेलिंग का दबाव बहुत ज़्यादा है, तो अभी आप लोग इसमें सेलिंग मत कीजिए, मतलब बाइंग मत कीजिए, क्योंकि सेलिंग का दबाव बहुत ज़्यादा है। वहीं पर वॉल्यूम बात करें तो वॉल्यूम 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि वॉल्यूम जो है हम लोगों को एक अच्छे खासे मूव देखने को मिले। वॉल्यूम में जो इंक्रीजिंग हुई है वह लगभग 186% हुई है, इसलिए यह कॉइन इतने ज़्यादा एकदम से ही अपर सर्किट में देखने को मिला है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम एकदम से ही बढ़ेगा तो भाई कोई भी कॉइन हमको अपर सर्किट में देखने को मिलेगा। वहीं पर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जो है वह 18 बिलियन डॉलर है, वहीं पर इसके आज के वॉल्यूम बात करूँ तो 13 बिलियन डॉलर है। मतलब इसके मार्केट कैप के बराबर ही वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मतलब यदि कुछ ही घंटे बाद इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए इस कॉइन में हमको एकदम से ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है और तेज़ी हमको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। परंतु अभी इसमें सेलिंग ज़्यादा है, तो अभी इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि सेलिंग ज़्यादा होती है तो आप लोगों को पता है कि प्राइस कम हमको देखने को मिलते हैं। वहीं पर इसकी सप्लाईज़ की बात करें तो 388 मिलियन ही इसकी सप्लाईज़ हमको देखने को मिल रही है। वहीं पर इसके हम बाकी चीज़ों की बात करें तो इसके जो हाई जो रहा है, सॉरी, इसका जो हाई जो रहा है वो ऑल टाइम हाई लगभग 298 रुपये रहा है, और इसका अभी के टाइम में प्रेजेंट के टाइम में इसमें हम लोगों को अभी के टाइम में इसकी कीमत की बात करें तो कीमत जो चल रही है वो इसमें दिखा नहीं रहा है। दोस्तों, आप लोगों को मैं क्लियर करके लिख दूंगा या बता दूंगा किस प्रकार से इसकी कीमत चल रही है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम लोगों को यह कॉइन देखने को मिल रहा है और इस कॉइन में हमको अच्छे खासे मूव देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी के टाइम में इसकी कीमत इस वेबसाइट पर लगभग 40 रुपये रही है और वहीं पर इसका हाई जो रहा है 258 रुपये रहा है। कुछ इस प्रकार से हम लोगों को कॉइन की कीमत देखने को मिल रही है। हो सकता है आगे आने वाले समय, मतलब अभी इसकी प्राइस की कीमत चेंज हो गई हो, क्योंकि अभी इसकी कीमत इस वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से इसकी कीमत है। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों को कॉइन देखने को मिल रहा है। हो सकता है कॉइन में अच्छे खासे मूव हमको आगे आने वाले समय में देखने को मिले, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो प्राइस हमको ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी थोड़ा वेट करिए, उसके बाद ही इस कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है एकदम से ट्रेडिंग में कोई भी कॉइन आता है तो वो एकदम से ही गिरने के उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि यह कल भी ट्रेंडिंग बना रहता है, एक दो दिन ट्रेंडिंग बना रहता है, तो हाँ बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ट्रेंडिंग का प्रॉफिट उठाइए। हाँ, हो सकता है यदि आप लोग अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कीजिए, जल्दी जल्दी प्रॉफिट कीजिए, बाहर निकलिए, प्रॉफिट लीजिए, बाहर निकलिए। इस प्रकार से आप लोग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। दोस्तों, मेरी माने तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ही पूछ के किसी भी जगह पर अपने कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे कहीं भी पैसे मत डालिएगा। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। सबसे वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि मैं क्रिप्टो करेंसी, NFT और शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट लेके आता रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।